ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं गर्मा गर्म चिले। अभी बच्चों को खिला पिला के इनको पहले स्कूल भेजते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीवी व्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल? और आज फिलहाल मैं आज मेरा बिजी बिजी वाला डे है, क्योंकि वैसे तो रोज ही बिजी डे होता है, काम तो रोज ही होता है, लेकिन आज मेरे को एक्चुअली पैकिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि हम लोग आपको लोगों में बता ही रहे थे, दिल्ली में कहीं जाना है। अभी मैंने अभी अभी बस बेड में से बैग्स वगैरह निकाले हैं बस, क्योंकि फिर इनमें सामान वामान पैक करना है। तो थोड़ा बहुत मैं बैग्स वगैरह को निकाल के एक बार चेक कर रही थी कि कहीं पे कुछ ख़राब तो नहीं है किसी बैग में, तो उसके हिसाब से फिर उसे पैक किया जाए। बच्चों के कपड़े, इनके कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े, मतलब मेरे कपड़े, सबके अभी चूज़ करने हैं किसको क्या क्या लेके जाना है। तो अभी मैंने सिर्फ बैग्स निकाले हैं। बच्चे आएंगे, वो अपने कपड़े खुद बताएंगे, हस्बैंड अपने कपड़े खुद बताएंगे, मैं अपना पैक करके पहले ही रख लूँगी। कई बार मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना। तो फिलहाल अभी मेरा बाकी सारा वर्क डन हो चुका है, मुझे सिर्फ राइस बनाने रह गए हैं। मैं राइस बना रही हूँ क्योंकि लंच के लिए बन रही है आलू बैंगन की सब्जी और राइस। आप लोग सोचोगे आलू बैंगन की सब्जी के साथ राइस कौन खाता है? वैसे तो बहुत लोग खाते होंगे, लेकिन हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं वही बना रही हूँ। तो वो मेरा फटाफट हो जाएगा, बाकी फिर मैं अपनी पैकिंग में लग जाती हूँ। फिलहाल मैं अपनी पैकिंग कर देती हूँ, बाकी सब लोगों की पैकिंग तब जब जैसे वो लोग बताते रहेंगे वैसे वैसे उनका सामान मैं पैक कर दूंगी। तो फिलहाल मैं चाहती हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। आज का तो मेरा पूरा दिन सिर्फ पैकिंग वैकिंग में निकल गया, पूरा दिन काम कर करके मैं कल थक भी गई, पैकिंग होगी। मैं तो थक गई भाई साहब। डायलॉग बोलती है बहुत मम्मी अच्छा मुझे लगता है खिलाने हमें। लिया। पूरा दिन आज मतलब सिर्फ पैकिंग ही करती रही मैं, कि यहाँ से कपड़े निकालो, वहां से कपड़े निकालो, कि जैसे अभी ठंडा गर्म ऐसी मौसम चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े रखने पड़ते हैं। तो वही गाइस चक्कर मुझे चूहा में मिल गया घर में। चूहा मिल गया, माउस को कह रहा है। माउस चूहा। नहीं ये अच्छा है, सही सही बोला है इसने, घर में चूहा मिल गया। वैसे हमारे घर में चूहे हैं नहीं, टच वुड होने भी नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे तो कीड़ों से, चूहों से, हर चीज से बहुत डर मुझे लगता एक बार है। ततैया काट लिया तो बोलता था नानी को, जब नानी को रहने थे पुराने हाँ घर में, तो हाँ मेरी मम्मी को, नानी को बोलता था कि नानी उधर मत जाना, उधर तैते आ। हाँ मतलब इसको ना बोलना नहीं आता था ढंग से, तो इसकी फिंगर भी छोटी वाली फिंगर, मतलब छोटी फिंगर क्या, इसके तो हाथ तक छोटे छोटे से ही थे, क्यूट सा, बिल्कुल ही अभी भी क्यूट है। तो छोटी सी फिंगर पे, इस वाली फिंगर पे काट लिया, तो बार बार अपनी मेरी मम्मी को बोलता था नानी तैते आ, ऐसे अपनी फिंगर दिखाता था, नानी तैते आ, इतना ही बोल पाता था। उतने में भी मतलब मेरी मम्मी को बाहर नहीं जाने देता था कि बाहर मत जाओ, आपको भी काट लेगा। अब तो देखो, अब तो दुष्ट और हो गए, जैसे काटा दुष्ट ना मम्मी दुष्ट। से, क्या हुआ क्या, वो रोने हाँ जब काटा लगा। तो मैं सोची ये रो क्यों रहा है, पता नहीं ऐसे रो जा रहे, क्या हो गया क्या हो गया। फिर थोड़ी देर में उंगली देखी तो छोटी सी उंगली, वो फुग्गा बन गई। फुग्गा बन गई, छोटी सी उंगली पिंक पिंक कलर की हो गई थी इसकी फिंगर। फिर मैंने फटाफट चाबी उस पर रगड़ दी और आइस वगैरह लगा दी, तो उससे थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन दर्द तो वही है, होता तो है ही नहीं, डंक लग जाता है उसका। देखा, मैं तो बेचारा बचाऊ ऐसे ततैये बोल रहा। से, मैं हूं मैन वर्सेस वाइल्ड, किड वर्सेस वाइल्ड बनेगा मेरा। आज अभी बहुत थक गए हैं, अब मेरा मन कर रहा है प्रॉपर रेस्ट करने का। तो आज का ब्लॉग वैसे बहुत रेस्ट छोटा सा ही मम्मी बना पता क्या है। करती हैं, अभी भी उठी रहेंगी, फिर सो जाएंगी, किचन सुबह किचन उठेंगी, किचन से हम स्कूल भेज मेटूंगी। गए। हम तो बल्कि मम्मी को बोल रहे हैं हम स्कूल मत भेजो, रहन दो, आप आराम करो, हम आपका आराम चाहते हैं। हम अपनी छुट्टी हाँ के लिए बिल्कुल, हम नहीं बोल रहे हैं हमेशा मेरे आपको। से यही बोलता रहता है, जैसे मैं कहती हूँ ना मैंने 8 बजे से काम में थकान हो गई, तो उसके बाद फिर मैं मेरे किचन उंगली किचन में भी समेटने लग में लग गई जाती हूँ ये है। सब बोल के। तो मुझे कहता है मम्मी ऐसा करो ना, अब आप आराम कर लो, स्कूल भेजने को रहने दो, आराम देखो करो, गाइस, रेस्ट हो मम्मी ने जाओ। मेरी उंगली तोड़ दी, मैंने ज्यादा मजाक किया अभी तो। तो सिर्फ उंगली तोड़ी है बेटा, ज्यादा मजाक किया ना तो फिर ये सुझा भी थी मेरी उंगली। तोड़ काटना चाहिए, हाथ नहीं काटना चाहिए उसका गला, नहीं ये डायलॉग भी बोलना देखो, पड़ेगा। ये ब्राउन हो गई, ये भी ब्राउन कर दी मम्मी ने, नील कर दी नील, भले वो सूखा है वो नहीं हुआ, नील मारी है मम्मी ने मार मार के। देखो नहीं अब तो पहले से ठीक हो गई होंगी है ना। मंशु मंदू ऐसे मंशु, देखो जाओ क्या कर रहा है मंशु, गेम कौन खेल सी रहा गेम है, खेल रहा है? फ्री फायर। फ्री फायर तो मैंने कोई नहीं सुनी, फ्री वो तो फायर बैन हो सुनी गई ना। है? नहीं फ्री फायर मैक्स नहीं बैन हुई, अच्छा तो फर्क कुछ चलिए भी नहीं अभी हम है। अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और हमारी की टू वीडियो फैमिली का हिस्सा बने सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो बाय 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 फ्रॉम फ्रॉम के के टू टू वी वी टू टू ब्लॉग। व्लॉग।